नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र प्लम्बर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्लम्बर वीडियो। दोस्तों, कई लोगों की शिकायत होती है कि हमारी देसी सीट में बहुत बदबू आती है, तो हम जानेंगे इसका मेन कारण क्या होता है। दोस्तों, तो मेरे पास ये पी ट्रैप है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप लेवलर मैंने रखा है, आप देख रहे हो ये जीरो लेवल दिखा रहा है, यानी जो पी ट्रैप है ये जीरो लेवल पर है। यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पर ये पूरा टिका हुआ है और इधर भी ये पूरा दोनों तरफ से रखा हुआ है, तो ये जीरो लेवल दिखा रहा है। तो आज हम जानेंगे इसमें हम कितनी ढलान दे सकते हैं और इसको अगर जीरो लेवल पर रखेंगे तो क्या ये आगे पानी फ्लश करेगी। तो दोस्तों, इसका मेनली काम होता है स्मेल रोकने का। हम इसमें जब ज़्यादा पानी डालते हैं, जितना इसको पानी इसके अंदर रहता है, वो पानी इसके अंदर इसलिए रहता है कि आगे से जो है बदबू, जो स्मेल आती है सेप्टिक टैंक की, वो यहाँ पर नहीं आए। मेनली काम तो इसका यही होता है पी ट्रैप का। लेकिन जब इसमें हम ज़्यादा ढलान दे देते हैं, तो आप देख रहे हो जब हम मैं ज़्यादा पानी डाल रहा हूँ, तो ये अपना पानी जितना इसको लेना है वो उसमें रुका रहेगा और एक्स्ट्रा पानी अपने आप आगे निकल जाएगा। तो इसमें हम ज़्यादा ढलान दे देंगे तो इसका जो मेन काम है, इसको हम काम करने से रोक रहे हैं, यानी इसका कोई रोल नहीं रहता है। इसका ढलान ज़्यादा देने से ये एल्वो की तरह काम करने लगता है और ये सीट में जो है बदबू लगातार आती रहती है सेफ्टी टैंक से। तो इसको आप देख रहे हो अभी जीरो लेवल पर है, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ से ये पूरा डूबा हुआ है पानी के अंदर, यानी जो इधर से जो आप देख रहे हो वो सामने का जो हिस्सा है पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो इधर की जो बदबू है सीट में नहीं जाती है, सेफ्टी टैंक की जो स्मेल आती है वो सीट में नहीं जाती है। ये सीट में जो ज़्यादा स्मेल आती है, इसका मेन कारण ये होता है कि जब पी ट्रैप में हम ज़्यादा ढलान दे देते हैं, तो इस पी ट्रैप में जो नीचे ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ से इसमें गैप हो जाता है पानी में, तो यहाँ से लगातार बदबू सीट में स्मेल आती रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको कोशिश ये करना है कि आपको इसको जीरो लेवल में लगाना है। अब आपको देख रहे हो इसको जीरो लेवल रख करके मैं देख रहा हूँ कि कितनी हम इसमें ढलान दे सकते हैं। तो आप एक इंच लगभग यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर ज़्यादा पानी आगे नहीं आ रहा, आप देख रहे हो आगे पानी आने लग जाएगा, लेकिन इसमें मेनली ढलान जो आपको देनी है आधा इंच से ज़्यादा इसमें नहीं देनी है। अगर हम इससे ज़्यादा ढलान देंगे तो लगातार सीट में बदबू आएगी और इस पी ट्रैप का जो है रोल जो है हम ख़त्म कर देंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आगे की जो लाइन है उसमें आप कितनी ढलान दे सकते हो, लेकिन पी ट्रैप में आप ज़्यादा ढलान नहीं देना है, और इससे हम जो टॉयलेट सीट में जो स्मेल आती है उससे हम बच सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।